So today I'm going to discuss one of the most asked queries of you guys कि सर क्लासेस के साथ नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि क्लास में सिर्फ समझ रहे होते हैं, विच इज गुड थिंग, पर वो उसके साथ नोट्स नहीं बनाते या फिर इतने कम नोट्स बनाते हैं कि घर पे जाके उनको एक दो घंटे और देना पड़ता है अपने नोट्स कंप्लीट करने के लिए, फिर उनके पास सफिशियंट टाइम नहीं बचता कि वो डीपीपी या फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करें, या फिर वो करते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट छूट जाते हैं, मतलब उनका होमवर्क, उनके न्यूमेरिकल्स, उनकी शीट्स पेंडिंग में जाने लगती है। तो यार सही तरीका क्या है कि हम क्लास के साथ ही, मतलब क्लास का पर्पस क्या है कि हम भाई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं और उसके साथ ही हमारे नोट्स कंप्लीट हो जाएं, ताकि घर पे जाके जो सेल्फ स्टडी का एक्चुअल पर्पस होता है यार कि मैं अपने नोट्स रिवाइज करूं और अपनी डीपीपी वगैरह जो भी होमवर्क है उसको सॉल्व करूं यार, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। तो तुम्हें नोट्स बनाते समय स्पेशली फिजिक्स नोट्स है ना, फिजिक्स नोट्स बनाते समय इन आठ बातों का ध्यान रखना है ना। यू हैव टू रिमेंबर दीज एट थिंग्स, मैं बताता हूं एक एक करके सारी की सारी चीजें, और तुमको ये दे भी दूंगा ताकि ये स्लाइड तुम्हारे पास रहेगी, ताकि इट विल एक्ट एज अ रिमाइंडर कि तुम कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। तो देखो सबसे पहली बात तो देखो यार, ये तो सबसे बड़ी गलती अगर कोई कर रहा है, ये 10th क्लास सिंड्रोम या फिर स्कूल सिंड्रोम बोल सकते हैं इसको, कि कई बच्चों की ऐसी आदतें पड़ जाती है कि भाई नोट्स दिखने में बहुत सुंदर होने चाहिए ना, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग होनी चाहिए, तो वो क्लास के अंदर रफ नोट्स बनाते हैं, है ना। आई होप तुम में से ऐसा कोई नहीं कर रहा होगा, पर कर रहा हो तो इमीडिएटली रुक जाओ कि भाई क्लास के अंदर रफ नोट बना रहे हो, घर पे जाकर उनको फेयर कर रहे हैं। बेटा ऐसी गलती नहीं करनी है। जब तुम आईआईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो, तुम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है, घर पे जाके तुम्हारे पास समय नहीं है नोट्स बनाने का, घर पे जाके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने, डीपीपी सॉल्व करनी है, तुम्हें मॉड्यूल सॉल्व करने है, तुम्हें एससी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तुम्हें किताबें सॉल्व करनी है, तुम्हें रिविजन करने है। तो पहली बार में ही अपन को फेयर नोट्स क्लास के अंदर बना लेने हैं, ये बात सभी लोग ध्यान रखेंगे, चाहे गंदी राइटिंग में बने, चाहे दिखने में उतने सुंदर ना हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो राइटिंग वाली बात तो देखो ऐसी है ना कि राइटिंग थोड़ी गंदी भी आ रही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुमको समझ में आनी चाहिए। हाँ इतनी गंदी मत लिख देना, इतनी गंदी मत लिखना ना कि खुद को ही समझ में आए, बाकी राइटिंग गंदी है दूसरों को समझ में नहीं आ रही कोई बात नहीं, तुमको समझ में आ रही, तुम्हारे नोट से खत्म बात, ठीक है। चलो अगली चीज, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, वो इस तरह की गलती कर रहे हैं और अपना बहुत सारा समय बर्बाद कर रहे हैं ना। देखो होता क्या है कि तुम चाहे अनअकैडमी पे पढ़ रहे हो मुझसे या फिर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, तुम लाइव क्लासेस करते हो ना, उसके बाद तुम्हें उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है ना, विच इज अ वेरी गुड थिंग है ना, पर उसका मिसयूज हो रहा है। मिसयूज किस तरीके से हो रहा है उसका, कि जब तुम लोग लाइव क्लास कर रहे होते हो, तुमको क्योंकि पता है कि बाद में मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो तुम 100% फोकस कर ही नहीं रहे क्लास में। कई बच्चे अपना मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन करते हैं उस जो टाइम का कर सकते हैं वो क्लास के दौरान उसको नहीं कर रहे, जैसे कि जो तुम करते अगर तुम ऑफलाइन में होते, क्योंकि अगर तुम ऑफलाइन में कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो तुम्हारा फोकस 100% होता है, तुम बहुत स्पीड में नोट्स भी बना रहे हो, क्योंकि तुमको पता है ये लेक्चर तुम्हें दोबारा नहीं मिलने वाला, इसकी कोई रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, पर क्योंकि यहां पे रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तुम जितना कर सकते हो तुम उससे आधा कर रहे हो, 60-70% कर रहे हो। तो तुम जब भी लाइव क्लास, ये ध्यान रखना जितने भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, व्हेन यू आर डूइंग लाइव क्लासेस, एक अजम्पशन मान के चलो अपने दिमाग में कि भाई इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया अभी तो वो हमेशा के लिए मिस हो गया, परमानेंटली मिस हो गया, अगर मैंने कुछ नहीं लिखा तो वो छूट जाएगा मेरा, तुम्हें ये मान के चलो। देखो हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, पर क्लास करते समय तुम्हें ये मान के ही क्लास करना है, ताकि तुम 100% फोकस से पढ़ाई कर सको, और फिर बाद में इनकेस अगर कुछ छूट जाता है तो ये एडवांटेज है ना रिकॉर्डिंग, कि भाई कुछ पॉइंट मिस हो गया, फिर कोई चीज अच्छे से समझ में नहीं आई, तो अपन ने जाके क्लास की 10-15 मिनट की रिकॉर्डिंग देख ली, कुछ छूट गया तो उसको जाके लिख लिया, तो इसको इसको मिसयूज नहीं, इसको यूज करो, है ना, है ना। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ओवर ऑफलाइन क्लासेस कि तुम्हें बाद में रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ना, पर तुम्हें इस अजम्पशन के साथ नहीं पढ़ना कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल है तो मैं आराम से पढ़ लेता हूं, ध्यान दे दिया, एक दो क्वेश्चन छूट गया, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिख रहा, आराम से करो, ये नहीं, चिल मोड में नहीं जाना है, हमें टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि भाई टाइम ही सबसे बड़ा रिसोर्स है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, टाइम सबसे ज्यादा लिमिटेड है। देखो तुम्हारी मैक्सिमम भी दिक्कत है जो भी प्रिपरेशन के दौरान है, वो इसलिए ही है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, इतने कम समय में इतना सारा कैसे करें, तो टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हम। तो ध्यान रखना, अज्यूम नो रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल आफ्टरवर्ड्स एंड हेंस बी 100% फोकस, ये सेकंड पॉइंट का भी तुमको ध्यान रखना है, पहला, दूसरा। अगली चीज, ठीक है अब हम पहले तो अपने अपनी तरफ से अपना 100% देंगे, उसके बाद मान लो कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, कि यार या तो मैं उसको सुनकर समझ सकता हूं या फिर लिख सकता हूं, दो ही चॉइस है, दोनों चीजें अगर साथ नहीं हो सकती, प्रायोरिटी तो यही दोनों साथ में करना है, पर अगर लेट से दोनों साथ में नहीं हो सकती, सो डू नॉट राइट नोट्स, ये तुम्हें ध्यान रखना है। क्लास में बैठने का हमेशा प्राइमरी पर्पस, पहला पर्पस क्लास में बैठने का है समझना, है ना, समझना, टीचर जो समझा रहे वो बातें तुम्हें समझ में आनी चाहिए। कभी भी इस एटीट्यूड के साथ किसी भी क्लास में मत बैठना किसी भी सब्जेक्ट की, कि अभी मैं नोट्स लिख लेता हूं,
घर पे जाके समझ लूंगा, घर पे जाके कभी समझ में नहीं आएगा तो मैं पूरी क्लास की फिर से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, डबल टाइम बर्बाद हो जाएगा। याद रखना नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर नोट्स लिखने और कॉन्सेप्ट समझने में से लेट्स से अगर एक ही चीज हो सकती है तो भाई फिर हमको कॉन्सेप्ट समझना है, नोट्स नहीं लिखना। कॉन्सेप्ट समझना इज मोर इंपॉर्टेंट देन राइटिंग नोट्स। तो ये प्रायोरिटी तुमने दिमाग में क्लियर रखनी है ना, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स इज मोर इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। अगर दोनों चीजों में से एक चीज हो सकती है तो भाई हम समझेंगे, ठीक है। फिर घर पे जाके क्या कर सकते, पीडीएफ डाउनलोड करके तो नोट्स लिख सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। पर ठीक है, अब आगे मैं डिस्कस करूंगा कि अपन को किस तरह से करना है। अपना अल्टीमेट टारगेट तो ये है कि क्लास के साथ हम नोट्स कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो देखो ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे मेरी क्लासेस कर रहे हैं उनका टारगेट होना चाहिए 70% नोट्स, एटलीस्ट इससे कम एक्सेप्टेबल नहीं है, इतने तुम्हें क्लास में लिख लेने। और मैं उसका रीजन भी बताता हूँ ना। देखो पहले मैं इसको सभी लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूँ। देखो अगर तुम जैसे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो ना, अगर तुम जिन टीचर से पढ़ रहे हो वो पूरा का पूरा तुम्हें लिख के पढ़ाते हैं कंप्लीट, मतलब जैसे ऑफलाइन में वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे, अभी वो स्लाइड्स पे या फिर जिस भी चीज पे पूरा लिख के पढ़ा रहे हैं, तो उस केस में तो तुम्हें 90% या उससे ज्यादा नोट्स कंप्लीट कर लेने हैं। मतलब उस केस में तो तुम्हारा टारगेट 100% ही होना चाहिए, बट 90% के नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है उस केस में, ठीक है। अब मेरे केस में क्या है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी स्लाइड्स डेवलप कर ली फिजिक्स कॉलेज में, है ना, मैं और मेरी जो पूरी टीम है हम लोगों ने, और पिछले 3-4 साल से उनमें हम लोगों ने बहुत सारे करेक्शन कर दिए। तो मैंने क्या करा कि जितने भी पॉइंट्स, तो मेरी टीचिंग में तुम ये कह सकते हो जो टीचिंग स्टाइल है उसमें 90% राइटिंग है, 10% चीजें स्लाइड में ऐड करती हैं। वो 10% चीजें कौन सी हैं, जैसे कि जो 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 भी फिजिक्स वाले पॉइंट्स मैं क्लास में डिक्टेट करता था या डेफिनेशन डिक्टेट करता था, जो भी लिखवाने वाली चीजें होती थी तो वो ऑफलाइन में डिक्टेट करना पड़ता था, क्योंकि वहां पे मजबूरी थी यार कि अभी नहीं बताया तो फिर बाद में तो इनको ये सब मिलना ही नहीं है ना, ठीक है। तो वहां पे मजबूरी थी, तो वो सारी चीजें मैंने अपने जो नोट्स हैं जो स्लाइड्स हैं जिनसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उसमें वो सारी चीजें ऑलरेडी ऐड करती हैं, और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बहुत सारे रिलेवेंट इमेजेस वगैरह वो तुमको बताइएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजों के लिए अब मैं ऑनलाइन में समय नहीं देता हूं, क्यों, क्योंकि अब मैं मेरी जो क्लास है उसका टाइम मैं 100% यूटिलाइज कर सकता हूँ, उसमें मैं तुम्हें एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल करा सकता हूँ, कॉन्सेप्ट में ज्यादा डीप में लेके जा सकता हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें हम टच कर सकते हैं, है ना। तो यही रीजन है कि अगर जब से मैंने ऑनलाइन में पढ़ाना चालू करा उतने ही समय में हम ज्यादा कवर कर पाते हैं, जितना ऑफलाइन में करते तो उससे बहुत ज्यादा, मतलब तुम देखोगे तो ऑफलाइन में कभी मैं इतने सारे पीवाईक्यूज क्लास के अंदर नहीं करा पाता था, यहाँ पे हम इतने सारे पीवाईक्यूज क्लास के अंदर कर लेते, इतने सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर पाते, क्योंकि हम वहां पे हमारा समय बचता है, डिक्टेशन में बहुत समय लगता था तो वो समय हम बचा रहे, तो वो समय में तुम्हें क्लास में नहीं देता, तो वो तुम्हें क्या करना है उसके लिए मैं अभी भी क्लास में समय नहीं दूंगा। तो वो इसलिए मैं 70% बोल रहा हूँ कि भाई मेरी क्लास में अगर तुम 100% नहीं लिख पा रहे दैट इज फाइन, पर तुम्हें 70% तो लिख लेना है, क्योंकि 70% क्या है, फिजिक्स की क्लास में बहुत सारे न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं वो तो तुम करोगे ना, बहुत सारे डेरिवेशन हम करते हैं वो सब तो तुम्हें करना ही है ना, वो सब तो यहीं पर साथ में ही करोगे। ये नहीं कि तुम बस बैठ गए तुम सुन रहे हो, बस टीचर लिखे जा रहे हो तुम देख रहे हो बस कि घर पे जाके लिखेंगे, वो नहीं, वो तो तुम फिर पूरा का पूरा समय बर्बाद कर रहे हो ना। तो बस जो डेफिनेशन वगैरह पाला पार्ट है जिसमें मैं बोलता था ये घर पे जाके लिख लेना, इसके लिए मैं अभी समय नहीं दे रही, मैंने समझा दी घर पे जाके छाप लेना, तो वो चीज बस छोड़ के बाकी पूरा का पूरा तुम्हारा क्लास के नोट्स में उसी समय लिखना है जो अपनी क्लास चल रही है उसके दौरान ही खत्म हो जाना चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। उसमें कैसे हेल्प मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा, कुछ चीजें डिस्कस करूंगा जिससे तुम कर सकते हो। जैसे देखो क्लासेस में मैं बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करते हैं ना, इंडीड क्लासेस के अंदर ही सबसे अच्छा कलेक्शन होता है ना, जो नोट्स हैं नोट्स के अंदर जो सबसे अच्छा कलेक्शन जो तुम्हारे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, नीट वाले बच्चों के लिए, नीट का, जेई वाले बच्चों के लिए जेई का, है ना, क्वेश्चंस का कलेक्शन जिसमें हर मतलब पूरे बिल्कुल धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं और सारे एरियाज कवर करते हैं ना, जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट होते हैं सबको कवर करते हैं, जितने मिसकॉन्सेप्शन हो सकते हैं उनको सही करते हैं, कितने तरीके से मिस्टेक होती है वो सारी चीजें हम कवर करते हैं ना। तो उसमें देखो कई क्वेश्चंस होते हैं जो मेरे क्लास के इलस्ट्रेशन है ना, जो मैं हमेशा से करा रहा हूं, कई सालों से करा रहा हूं, उसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर रखे हैं, हर साल होते हैं थोड़े बहुत चेंजेस, और फिर कुछ यहां पे मैं पीवाईक्यूज कराता हूं बहुत सारे, ठीक है। तो समझो जो मैं पीवाईक्यूज में क्लास के अंदर करा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यूज में क्लास के अंदर कराता हूं, उनके क्वेश्चंस नहीं लिखने तुम्हें यार, वो समय की बर्बादी, तुम उनको पूरा पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन अगर तुम नोट में लिख रहे हो तो तुम समय बर्बाद करो, ये तो कॉमन सेंस है, उसको लिख के क्या फायदा है, और उसको तुम्हें नोट्स में भी नहीं लिखना है, उसके लिए साइड में कॉपी रख के बैठे उसमें तुम्हें फटाक से सॉल्व करके हटा देना है, खत्म, उसको तुम ऑन द स्पॉट सॉल्व करना है, हटा देना है, एक साइड में कॉपी रखनी है, ठीक है, उस कॉपी में करते जाएगा जितने भी पीवाईक्यू, ठीक है, उसको नोट्स के अंदर नहीं लिखना, उनके क्वेश्चंस भी नहीं लिखना, ठीक है। तो कुछ लोग इसमें समय बर्बाद करते हैं, बहुत से बच्चे करते थे, प्लीज डोंट डू दैट, है ना। हाँ, पर जो क्लास के इलस्ट्रेशन है, जो क्लास में मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं जो मेरे खुद के हैं, वो सारे लिखने हैं, उनके क्वेश्चन भी लिखने, प्रॉपर सॉल्यूशन भी लिखना है, ठीक है। अब उसके दौरान एक चीज और ध्यान रखनी है ना, उसके दौरान एक चीज और याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6th वाला पॉइंट है ना, ये गलती मैं भी करता था जिस कारण मेरे नोट्स छूट जाते थे जब मैं खुद पढ़ता था, याद रखना ये जो दिक्कत है ना, ये प्रॉब्लम मैं खुद भी फेस करता था जब मैंने कोचिंग करना स्टार्ट करा था ना,
देखो स्कूल तक तो कोई दिक्कत नहीं होती यार, स्कूल में तो क्या ही यार आराम आराम से चलता है, पर जब हम कोचिंग में जाते हैं तो सिलेबस बहुत फास्ट चल रहा होता है, हमें समझना भी होता है लिखना भी होता है, तो इट्स ए स्किल जो तुम्हें डेवलप करनी होती है। इसको तुम एक्सक्यूज की तरह नहीं ले सकते कि मेरे से ऐसा नहीं होता, मैं क्लास में बस सुनूंगा घर पे जाके लिखूंगा फिर तुम होमवर्क नहीं कर पाओगे, तुम पीछे छूट जाओगे, तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ जाएगा यार। तो हाँ समझो ये अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे क्लास में मैंने कोई क्वेश्चन दिया या फिर तुम जिन भी टीचर्स पढ़ रहे हो उन्होंने कोई क्वेश्चन दिया ना, अब देखो क्या होता है कि क्लास में कभी तुम्हें बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, उसमें हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टच करने होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट दे सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब उसमें तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सकता है तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, हो सकता है तुम क्वेश्चन आधा सॉल्व कर पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना सेवंथ वाला, हो सकता है तुम क्वेश्चन आधा सॉल्व कर पाए, और इतने में मैंने अपना या फिर जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उन्होंने उनका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, उन्होंने समझाना स्टार्ट कर दिया, तो इस समय क्या होता है हमारा मन नहीं करता टीचर का सॉल्यूशन सुनने का, क्योंकि हम अपने सॉल्यूशन के बीच में हमारा मन करता है हम अपना सॉल्यूशन खत्म कर दें, और पता है बहुत गुस्सा आता है उस समय सॉल्यूशन छोड़ने में, पर ये स्किल तुम्हें सीखनी पड़ेगी, इसके बहुत सारे फायदे हैं। इमीडिएटली तुम्हें अपना जो भी तुम सॉल्व कर रहे हो उसको छोड़ दो और टीचर जो पढ़ा रहे हैं सुनो, है ना, क्यों, क्योंकि तुम नहीं छोड़ोगे तो पहले तो टीचर जो समझा रहे वो छूट जाएगा, टीचर हो सकता है कुछ अलग तरीके से कर रहे हो उसमें कुछ और डेप्थ तो बता रहे हो वो तो आने में हो जाएगी, और हो सकता है टीचर आगे पढ़ाने पड़ेगा तुम्हारा फिर नोट छूट जाएंगे, फिर तुम्हें क्लास फिर से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, बहुत सारा समय बर्बाद होगा। ठीक है, अगली चीज ये जो जो होती है ना कि हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं क्वेश्चन से कि यार अब तो मैं ये खत्म ही करूंगा, ये एग्जाम में भी हमारे साथ जाती है, जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं ना तब हम यही हरकत करते हैं, कई बार कोई गलत क्वेश्चन उठा लेते हैं, जिस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन 1 या 2 मिनट या 3 मिनट में सॉल्व नहीं हो सकता उसको 10 10 मिनट लगा देते हैं, उस क्वेश्चन में हम 10 मिनट लगा देते हैं, फिर अगर 10 मिनट लगा के हमने वो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया ना वो सही भी हो गया तो अल्टीमेटली नुकसान ही, क्योंकि तुम्हारे पेपर में बाकी क्वेश्चन छूटने वाले हैं, तो अपने आप को इमोशनली अटैच नहीं करना, अगर दिख रहा है भाई कि क्वेश्चन गलत उठा लिया है चाहे उस क्वेश्चन के बीच में उसे छोड़ना आना चाहिए, ये स्किल भी तुम्हें क्लास में डेवलप करनी है, तो इमीडिएटली लीव योर सॉल्यूशन वंस द टीचर स्टार्ट्स एक्सप्लेनिंग द न्यूमेरिकल, तुरंत छोड़ दो। हाँ तुम इसमें क्या कर सकते हो, लीव सम स्पेस इन द नोट्स टू कंप्लीट योर ओन सॉल्यूशन आफ्टर द क्लास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दिस इज समथिंग आई माई सेल्फ डिड, है ना, मतलब ये मैं खुद अपने तरीके से सीखा हूं और जब मैं पढ़ता था दिस इज समथिंग आई डिड, है ना, तो जब मैं फिजिक्स कर रहा था तो मेरे पास हमेशा अपना खुद का सॉल्यूशन होता था हमेशा कि भाई मैं अपने इस तरह से करूंगा, पर बीच में टीचर जो मेरे टीचर थे बहुत शानदार टीचर थे वो फिर वो समझाने लगते थे क्योंकि सफिशियंट टाइम क्लास में नहीं मिलता, तो मैं इमीडिएटली अपना सॉल्यूशन छोड़ता था पर उसके साथ जगह छोड़ देता था, आधा पेज जगह छोड़ दी और टीचर जो समझा रहे उसको सुनता था उसको लिख लेता था। अब घर जाके जब मैं रिविजन करता था तो मैं रिवीजन करते हुए पहले तो नोट्स में करेक्शन कर लिए जो भी है, बहुत सारी चीजें हम क्लास के अंदर नहीं लिखवाते थे ना, टीचर ने बोली होती थी पर वो क्लास के अंदर नहीं लिखी होती, पर उसी दिन अगर मैं जाकर नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ ना तो वो सब मेरे दिमाग में फ्रेश है, तो उनको फिर मैं नोट्स में लिख लेता था वो सारी बातें जो मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में भूल सकता हूँ इंपॉर्टेंट है वो सब लिख लेता था, तो इसलिए नोट्स को भी थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के लिखा करो ताकि तुम अपने हिसाब से एडिशन कर सको ना, ये एक रीजन और है कि तुम कभी भी किसी और के नोट्स से पढ़ाई नहीं कर सकते ना, हमेशा पढ़ाई खुद के नोट से करनी होती है क्योंकि तुम्हारे नोट्स तुम्हारे हिसाब से कस्टमाइज और पर्सनलाइज होते हैं, है ना, तुम अपने हिसाब से लिखते हो कि तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या चीजें तुम भूल सकते हो, कौन सी चीजें तुम्हें नहीं पता थी, तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो वो नोट्स में लिख लिया करो घर पे जाके ना, उसके साथ तुम जो तुमने जो अपना सॉल्यूशन बीच में छोड़ा था उसको कंप्लीट करो, उसको ट्राई करो, तो इस तरीके से मैंने लगभग फिजिक्स का हर क्वेश्चन 2 2 3 3 मिनट से करा हुआ है ना, यूजुअली मेरा तरीका और टीचर के तरीका अलग होता था, तो मैंने अपना तरीका भी एक्सप्लोर कर लिया और टीचर का नया तरीका भी, मुझे उस क्वेश्चन का एक नया अप्रोच मिल गया मुझे, है ना, अब अगर मान लो मैं अपने तरीके से नहीं सॉल्व कर पाया तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई क्यों नहीं हो सकता, उसमें मुझे गलती मिल जाएगी, अगर गलती नहीं मिल रही मुझे तो मैं टीचर से जाकर डिस्कस करूंगा कि भाई मेरे तरीके में क्या गलती है, तो वो मेरा एक मिसकॉन्सेप्शन करेक्ट होगा, एंड दैट इज द राइट वे ऑफ स्टडिंग फिजिक्स, ये पर्टिकुलर पॉइंट फिजिक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पर्टिकुलर पॉइंट फिजिक्स में, है ना, क्योंकि फिजिक्स में एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं तो मैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये 7th 6th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब अगली चीज है ना, नोट्स को जल्दी कैसे लिखे ना, ठीक है, अब मैंने कहा ना तो ये स्किल भाई चाहे ऑनलाइन में पढ़ रहे हो ऑफलाइन में पढ़ रहे हो तुम्हारे पास होनी चाहिए, हम मैंने भी डेवलप करी है ना, क्योंकि क्लास में ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें आराम से सफिशियंट टाइम मिलेगा, टीचर ने पहले समझाया फिर वो तुम्हें आराम से लिखवा रहा है, ऐसा कुछ क्लासेस में हो सकता है, केमिस्ट्री वगैरह में हो सकता है, बाकी नहीं होता, फिजिक्स में तो नहीं होता यार, तुम्हें फास्ट ही लिखना पड़ेगा, तो भाई देखो ये हैबिट है ये तुम्हें डेवलप करनी पड़ेगी और सुनने में अच्छी भी नहीं लगेगी, और स्पेशली जो बच्चे स्कूल से निकल के आ रहे हैं उनको तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, सबसे पहले तो उस माइंड सेट से निकल जाओ कि नोट्स दिखने में बहुत सुंदर होने चाहिए बहुत अच्छी हैंड राइटिंग आनी चाहिए, नहीं तुम्हें हैंड राइटिंग उतनी अच्छी लिखनी कि बस तुम्हें समझ में आ जाए, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो बात हो गई, मतलब इतनी गंदी मत लिखना ना कि तुम्हें नहीं आया, ये ध्यान रखना, तो पहले तो देखो इससे मेरा तरीका होता है ना, पेन को पहले तो बिल्कुल बाजू में मत पकड़ा करो, मैं ऐसे पकड़ के लिखता था, मेरा जब तरीका था मैं ऐसे पकड़ता था पेन को और ऐसे बिल्कुल ऐसे गड़ा के लिखता था, तो उससे छोटे छोटे आते थे अक्षर सुंदर आते थे पर बहुत स्लो राइटिंग, मैं बहुत स्लो लिखता था एक जमाने में, तो भाई सीखा भी ये भी पता नहीं किसी ने बताया ही था मुझे कि भाई पेन दूर से पकड़े, बाजू में बैठे किसी बंदे ने नहीं बताया था, भाई पेन को पहले तो दूर से पकड़ो और हल्का पकड़ो,
और हल्का चलाओ, गड़ाओ मत उससे फ्रिक्शन, क्योंकि गड़ाते हैं तो नॉर्मल बढ़ता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है, जब अपन हल्का रखते हैं तो फ्रिक्शन कम रहता है, तुम्हारी स्पीड फास्ट आएगी, तुम्हारी स्पीड इंडी डबल हो जाएगी। हाँ राइटिंग जरूर गंदी होगी थोड़ी सी, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें अपनी हैबिट ऐसी बनी है, पेन को थोड़ा दूर पकड़ो, हल्का पकड़ो और स्पीड में लिखना चालू करो। अगली चीज, लिखते भी कैसे हैं, टीचर समझा रहा होता है, बोर्ड पे हमारा ध्यान होता है, हम सुन रहे होते हैं टीचर समझा रहा है, और ऐसे लिख रहे हो तो हल्का हल्का नजर थोड़ी थोड़ी बीच में जाती है, पूरे टाइम तुम कॉपी में भी नहीं देख सकते। आई नो ये मुश्किल होता है, बट तुम देखो कि तुम्हारे आजू बाजू के तुम्हारे बहुत सारे दोस्त वगैरह इस तरह से करते होंगे, तुम्हें भी ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी अगर तुमने नहीं करी है तो, ना ठीक है। अगली चीज, बहुत सारे पेन अलग अलग कलर के, यानी कि 4-5 कलर के पेन ले आए और वो बदलते जा रहे, नहीं यार उसमें बहुत समय बर्बाद होता है। मैं तो पूरे नोट्स एक ही कलर के पेन से लिखता था, जरूरत पड़े तो भाई तुम दो यूज कर सकते हो, पर इससे ज्यादा नहीं, इसमें समय बर्बाद नहीं करना। नोट्स सुंदर होना जरूरी नहीं है, मैं फिर से बोलूंगा, नोट्स इन्फॉर्मेटिव होने चाहिए, उसमें हर बात लिखी होनी चाहिए, टीचर ने जितनी बातें बोली थी वो सब तुम्हारे नोट्स में हो जानी, कोई भी नई चीज अगर तुम्हें क्लास में सीखने को मिलती है तो वो तुम्हारे नोट्स में होनी चाहिए, तुम्हें टीचर से पूछने की जरूरत नहीं कि वो लिखो या नहीं लिखो, तुम्हारे ऊपर है ना, तुम्हें अगर वो चीज नहीं बताती, तुम्हें कुछ नया पता चला है, लिखो नोट्स में जाके, अगर क्लास के अंदर नहीं लिख पाए तो जब घर पर जाके रिविजन कर रहे हो तब लिखो, ऐसे तुम्हारे तगड़े नोट्स तैयार होते हैं, ठीक है। अगली चीज, आफ्टर द क्लास है ना, तो भाई जो टीचर के नोट्स होते हैं ऑनलाइन में, जितने भी टीचर तुम्हें पढ़ा रहे होते हैं वो सारा पीडीएफ तुम्हें मिल जाता है क्लास के बाद, अनअकैडमी में तुम जाके डाउनलोड कर सकते हो, बाकी कहीं भी पढ़ रहे हो तो वहां पर भी कोई ना कोई सिस्टम होगा, टीचर्स वगैरह तुमसे शेयर कर देते होंगे टेलीग्राम वगैरह पे, तो उनको डाउनलोड करो है ना, और फिर अपने नोट्स कंप्लीट करो ना, जब तुम घर पर जाओगे तो अपने पूरे नोट्स रिवाइज करो, जितने भी क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं होते क्लास में उनको सॉल्व करो, फिर से टीचर ने जो तरीका बताया उससे सॉल्व करो, नहीं आ रहा फिर देखो अपना सॉल्यूशन ट्राई करो, कुछ करेक्शन करना है, कुछ गलत लिख लिया था तो वो करो, कुछ छूट गया था तो उसे लिखो, और अब तो तुम्हारे सामने ये है, ऑफलाइन में ही नहीं होता था ना कि टीचर के नोट्स तुम्हारे सामने नहीं होते थे ऑफलाइन में, अब आज तो है ना, टीचर ने जितना भी लिखा है वो सब तुम्हारी आंखों के सामने, करेक्ट करो, खुद के नोट्स बनाओ और हमेशा खुद के नोट्स बनाओ। तो ये चीज ध्यान रखना कि भाई इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना, एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका पहले, है ना, तो ये रिमाइंडर की तरह रहेंगे तुम्हारे पास एज ए रिमाइंडर, है ना। पहले एक चीज ध्यान रखना, एंड में ऐसा गलती से भी मत करना कि नोट्स घर पे जाके बना रहे, अगर तुम मेरी क्लासेस कर रहे हो तो मैं मिनिमम 70% नोट्स क्लास में बना लेने, और मैं बता देता हूँ अगर तुमने टॉपर्स के इंटरव्यू देखे हो, जितने भी जो टॉपर थे इस बार के उनके मैंने करे, मैक्सिमम बच्चे क्लास के अंदर 80-90% नोट्स कंप्लीट कर लेते थे, ठीक है, तुम्हें भी वही टारगेट रखना है, पर 70% से कम तो नहीं होना चाहिए, ध्यान रखो। और तुम बाकी किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो टीचर लिख के पढ़ा रहे हैं प्रॉपर, उनके तो 90-100% नोट्स क्लास के अंदर होने चाहिए, इसको सीखो, स्टार्टिंग में अगर दिक्कत होगी डेवलप करो, क्योंकि घर पे जाके तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने, तुम्हें रिवीजन करके फटाक से डीपीपी और होमवर्क करना चालू कर देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई बाय बाय गाइस, है ना, और इसी के साथ देख लो ना, जो भी बच्चे मुझसे प्रॉपरली आके अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं, इस समय अनअकैडमी पे बहुत ही अच्छे ऑफर चल रहे हैं, 50% से ज्यादा ऑफ चल रहा है, IIT JEE के बच्चों के लिए 64% ऑफ चल रहा है, और नीट के बच्चों के लिए 52% ऑफ चल रहा है ना, आज डेट है 30th November, है ना, मैं बता देता हूँ ये ऑफर अभी चल रहा है, अगले कुछ दिन और रहेगा पर बहुत कम समय के लिए है ना, तो मेक श्योर कि जो भी बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो फिजिक्स लाइव कोड यूज करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लें, चाहे नीट करो चाहे JEE करो, दोनों में मेरे बैचेस चल रहे हैं 11-12 ड्रॉपर प्रॉपर, और अभी हम लोगों ने ऑल स्टार बैच करके न्यू बैच स्टार्ट करें नीट में भी JEE में, जिसमें सारे टॉप एडुकेटर्स कोटा के टीचर्स सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स को एक साथ पढ़ा रहे हैं, नीट के अलग बैचेस चल रहे हैं, JEE के अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि 50% से ज्यादा ऑफ चल रहा है ना, लिटरली तुम्हें आधी प्राइस में मिल रहा है इस सब्सक्रिप्शन, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं दिस इज द राइट टाइम, है ना। और उसी के साथ मेक श्योर कि मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, जिसको देख रहे हो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, ठीक है। और साथ में अनअकैडमी में मैं बहुत सारे आस्क मी एनीथिंग सेशन लेता हूँ, जिसमें तुम आकर मुझसे ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हो, दीज सेशंस आर कंप्लीटली फ्री, सभी के लिए कंप्लीटली फ्री है, तो वो जिस भी दिन होते हैं उनकी लिंक भी तुम्हें टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो नीट वाले नीट का ज्वाइन कर लें, JEE वाले JEE का ज्वाइन कर लें, है ना। और बाबा अच्छा लगा तो भाई शेयर वगैरह कर देना, सी यू।